हेलो दोस्तों, देहरादून व्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप ले आया हूँ क्लेमेंटाउन देहरादून मॉनेस्ट्री में, जो कि अब खुल चुकी है। तो आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। और ये पुराने वाली ओल्ड मॉनेस्ट्री में आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, जब ये नई वाली मॉनेस्ट्री बंद थी। तो अभी हम नई वाली मॉनेस्ट्री में चलते हैं, तो आइए चलते हैं देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ उत्तराखंड टूरिज़्म का भी लिखा है। और ये देख सकते हैं आप नई वाली मॉनेस्ट्री है ये। यहाँ पर आपका बाइक का जो है एंट्री चार्ज 20 रुपीज़ लगेगा दोस्तों। और आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। और आपको यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने के लिए शूज़ उतार कर जाने होंगे, जिसका 3 रुपये आपका रेंट होगा। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ पूरी मॉनेस्ट्री। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल एरिया है। तो गाइज़ आज मैं बताने वाला हूँ इसको मैंडोलिंग मॉनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है, मैंडोलिंग मॉनेस्ट्री का निर्माण कब और किसने किया था, मॉनेस्ट्री में क्या देखने को मिल सकता है, मॉनेस्ट्री सप्ताह में कितने दिन खुलेगी, मॉनेस्ट्री में परफेक्ट एंट्री टिकट कितना है। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग मैं इसी चीज़ से करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एंट्री टिकट फ्री है, लेकिन आपकी जो है बाइक का पार्किंग चार्ज लिया जाएगा 20 रुपीज़। और आपका जो शूज़ रखे जाएंगे उसका 3 रुपये किराया है, 3 रुपीज़। तो गाइज़ जैसे आप जानते ही हैं कि ये भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून ज़िले में क्लेमेंटाउन में स्थित है। एक तिब्बती बौद्ध मठ है ये, और इस मठ में भगवान बुद्ध और गुरु पद्म संभव की 5 मंजिला प्रतिमाएँ हैं। पहले 3 मंजिले तक भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र, जैसे सोने के रंग जैसा चित्र किया गया है। इस जटिल चित्रकारी को 50 कलाकारों ने मिलकर बनाया था, जिसे पूरा करने के लिए 3 साल का समय लगा था। और गाइस 4th मंजिल पर्यटकों को भगवान बुद्ध के मंदिर की ओर आकर्षित करने का बड़ा कारण है, जहां से दून घाटी की एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अभी ऊपर जाना अलाउड नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये धर्म गुरु दलाई लामा जी की कार है, जो कि उन्होंने 2013 तक यूज़ करी थी। और 6 जुलाई 2019 में इसे यहाँ पर स्तूपा को समर्पित कर दी थी श्रद्धालु घर के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गाइस इस बौद्ध मठ का निर्माण 1965 में कोचेन रिम्पोचे और कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर करवाया था, जिसमें तिब्बती, जापानी और चीन तथा लद्दाख के कलाकार शामिल थे। यह मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध मठ है, लेकिन इसे जापानी वास्तुकला श्रेणी में निर्मित किया गया है। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप आके रेस्ट कर सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। गाइस इस मॉनेस्ट्री में आपको भगवान बुद्ध की 102 फीट ऊंची समाधि, शांत पूर्ण माहौल, 3 मंजिलों तक भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र जो सोने की जैसे दिखाई देता है, मंदिर परिसर में हरा भरा बगीचा, घास मैदान, तिब्बती रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तिब्बती और बुद्ध से जुड़ी पुस्तकें, दुकानें भी शामिल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप यहां आ सकते हैं और आप ये देख सकते हैं यहां पर ये तिब्बती शैली में हैं कुछ सामान, और आप ये शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। हरे भरे आपको यहाँ बगीचा दिख जाएंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। गाइज ये बौद्ध मठ शिवालिक रेंज पहाड़ियों के किनारे बना हुआ है और चारों तरफ आपको हरियाली दिख जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ आने की। अगर आप बाय प्लेन आना चाहेंगे तो आपको नियर एयरपोर्ट भी जोली ग्रांट देहरादून ही होगा, और बस स्टैंड भी यहीं पर है, जो कि यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है ISBT। और रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है, जो समथिंग 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर। तो आप यहां पर इजली आ सकते हैं और आप इस जगह को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितना बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और ये लासा का चित्र बना है यहां पर, पेंटिंग बनी है दोस्तों। अभी मैं आपको मंदिर के ऊपर भी दर्शन कराने लेके चलूँगा, और देखना मंदिर कितना प्यारा बना हुआ है, लेकिन ऊपर तक जाने का अभी अलाउ नहीं है। अभी हम दोस्तों मॉनेस्ट्री में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को ही देख सकते हैं, उससे ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो गाइस चलो अब चलते हैं मंदिर की तरफ,
और मैं अब मंदिर के दर्शन कराता हूँ आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ गंदगी ना करें। आप देख सकते हो ये जगह बहुत शांत है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर वाले मंदिर में जा रहे हैं दोस्तों। विदाउट मास्क आपको नो एंट्री होगी, मास्क आपको ज़रूर लाना होगा। चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर बनाया गया है ये, और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करी है, बहुत ही बारीकी से यहाँ पर नक्काशी की गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर के बाहर, और जो फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर है वहाँ को देखते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पर्यटकों के लिए ये बहुत आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर आपको हमेशा ही टूरिस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए मंदिर को देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकता। और ये यहाँ के आपके डोर देख सकते हैं, दरवाजे जो हैं कितने प्यारे बनाए गए हैं और कितने स्ट्रॉन्ग है ये। और ये मॉनेस्ट्री के ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा, गार्डन, ब्यूटीफुल प्लेस, और ये मॉनेस्ट्री। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब मॉनेस्ट्री से बाहर चलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।